हाय गाइस, दिस इज शालिनी सूर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज। और आज बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई है एक और कॉमेडी एंटरटेनर विद स्टार्स कृति सैनन, वरुण शर्मा एंड दिलजीत दोसांझ। तो आइए जानते हैं दर्शकों से कि क्या ये कॉमेडी एंटरटेनर रही सक्सेसफुल उनको एंटरटेन करने में। कृति सैनन पहली बार एक रिपोर्टर के रोल में नजर आए, तो उनका काम आपको कैसा लगा इस फिल्म में? देखिए, कृति जी का इसमें बहुत ज़्यादा एक रिपोर्टर, जैसे हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टर बहुत कोई इन्वेस्टिगेटिव या कोई बहुत ज़्यादा वो करते हैं, कई फिल्मों में हमने देखा भी है, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उनकी जितनी भी भूमिका इसमें एज ए रिपोर्टर थी, वो इस्टेब्लिश कर रही थी खुद को और अच्छा था, बढ़िया था। वाज लाइक रेगुलर, कुछ खास नया कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, ठीक है, ऐसे कुछ खास। कृति सैनन, अच्छा, हाँ, अच्छा काम किया है लड़की ने। कृति सैनन एक्चुअली उनका रोल तो मुझे अच्छा लगा, बट वो आई थिंक फर्स्ट टाइम तो रिपोर्टर नहीं है, इसके पहले वो लुका छुपी में भी थी, बट ये कह सकते हैं कि इस फिल्म में उनको ज़्यादा रोल दिया गया है एज अ रिपोर्टर। वो एज अ रिपोर्टर काफ़ी क्यूट लग रही हैं और आप भी एक रिपोर्टर हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप और वो सभी लोग, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि वो एक्टर कम रिपोर्टर हैं। अर्जुन पटियाला देख के आए हैं आप, कॉमेडी फिल्म्स बहुत ट्रिकी होते हैं दर्शकों को एंटरटेन करने में, तो आपको कैसी लगी ये पिक्चर? अच्छी फिल्म है और जो लोग इसको देखेंगे उनको एक अलग ही क्राइम को ख़त्म करने का तरीका मिलेगा। बहुत सारी फिल्मों में लगभग एक जैसा ही होता है, इसमें थोड़ा हट करके है। स्पूफ और कुछ मज़ा, लाइक स्टोरी में तो कुछ मज़ा नहीं आया, स्टोरी के सिर पैर नहीं थे, किस तरफ जा रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लगी, नहीं एकदम बकवास है पिक्चर, स्टोरी लेंथ इज वेरी बैड एक्चुअली। ठीक है, अब वो छोड़ दो, स्टोरी वोरी तो आजकल सब चल रहा है, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या, एक लाइन है कि किस तरीके से बदमाशों को ख़त्म करने का तरीका जो पुलिस करती आ रही है वही होता है, और अल्टीमेट उनके पीछे राजनेता होते हैं, वो सारी चीज़ों को दिखा के अच्छा वो किया। भाई मसी इन्जॉय कर लो, बस एक बार इन्जॉय करके आ जाओ। मूवी अच्छी है, कॉमेडी है और गुदगुदाती है। अगर हम लोग मुंबई में स्ट्रेस भरी ज़िंदगी जीते हैं, सपोज़ आप ट्रैफिक झेल कर आ रहे हैं, बारिश के खड्डों से परेशान हैं रोड के, और फिर इस तरह की मूवी आप देख लेते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और माइंड थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है। दिलजीत दोसांझ और वरुण शर्मा का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा, दिलजीत और वरुण ने बहुत बढ़िया काम किया। वरुण लाइक ही वॉज इन ओनिडा, और ओनिडा का उन्होंने बखूबी निभाया, और दिलजीत तो ऑब्वियसली उसमें मेन किरदार में थे, तो अच्छा था, एक इनोसेंट भूला वाला पुलिस वाला, तो अच्छी फिल्म थी, ए वन टाइम वॉचेबल मूवी है। इट वाज ऑल ओके, दे ट्राइड टू मेक अ लिटिल मोर कॉमेडी एंड स्पूफ काइंड ऑफ थिंग, बट डिडंट वर्क आउट दैट वेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया, और वो जो ओनिडा है उसने काम बढ़िया किया है, और जो लेडी डॉन एमपी बनी है उसका काम अच्छा है, और कुल मिला के एक अच्छा अच्छा पैकेट है, एक अच्छा पैकेज है, उस पैकेज के अंदर आप जाओ गुदगुदाओ और आ जाओ बस। दिलजीत दोसांझ अब हिंदी मूवीज़ में बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी मुझे लगता है अपना लोहा मनवा रहे हैं, और उनकी एक्टिंग बॉलीवुड के अदाकारों के साथ ऐसा नहीं लगता कि कुछ नयापन है, बहुत बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी लगती है और सभी की एक्टिंग अच्छी लगी मुझे। म्यूजिक वॉजंट लाइक एवरीथिंग वॉज जस्ट एवरेज और बिलो एवरेज समवेयर देयर। गाने अच्छे हैं लेकिन पंजाबी बीट्स है, मतलब बीट्स आर गुड, पंजाबी अच्छे। गाने उसमें इतना कुछ म्यूजिक का था नहीं, लेकिन फिर बीट मतलब वन टाइम वॉचेबल है, गाने उतने ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो। कॉमेडी फिल्म्स में वन लाइनर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, तो इस फिल्म के वन लाइनर्स कामयाब रहे एंटरटेन करने के लिए? ऑब्वियसली 101%, इट वॉज नाइस। हंसी मजाक में शायद मुझे लगता है एक सबक दिया गया है कि सरकारी गोलियां वेस्ट हुए बगैर भी एक गलत चीज़ का खात्मा हो रहा है। अगर इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए किसी भी चीज़ को, सिर्फ क्राइम को ख़त्म करने के लिए नहीं, नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए भी, मोहब्बत से मोहब्बत को लड़ाकर नफ़रत ख़त्म की जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी मुझे लगता है। बाकी तो व्यूवर्स की अपनी अपनी सोच है, बहुत व्यूवर्स को थ्रिलर कुछ को पसंद आती है और किसी व्यूवर्स को कॉमेडी पसंद आती है, बट इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ा सा कॉमेडी है और पंजाबी कल्चर है, तो पंजाबी कल्चर की जहाँ बात आ जाती है तो फिर वहाँ आप हंसे बगैर नहीं रह सकते, तो वहाँ जो है स्टोरी इसीलिए इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि कॉमेडी है, और फिर बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट अगर आप ले लेते हैं और स्टोरी भी अच्छी हो तो फिर सब कुछ सेट हो जाता है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? टू स्टार्स, दो स्टार बस, साढ़े तीन, थ्री एंड हाफ, पाँच में से तीन देना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, ये थी अर्जुन पटियाला का पब्लिक रिव्यू, जिससे पता चल रहा है कि इस फिल्म को मिली है मिक्स्ड रिस्पॉन्स। जहाँ कुछ लोगों को ये फिल्म के वन लाइनर्स पसंद आए, वहीं कुछ लोगों को इस फिल्म की स्टोरी लाइन लगी फ्लैट। सो इफ यू लाइक आवर पब्लिक रिव्यू, डू नॉट फॉरगेट टू लीव कमेंट डाउन बिलो इन द बॉक्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मूवी टॉकीज़।